एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी। तो आज हम जा रहे हैं गरसा वैली, बिकॉज वहाँ पे आज मेला है। तो आज लास्ट मेला है, तो हम कल सुबह ही पहुँचे थे देहरादून से। तो आज हम मेले को जा रहे हैं, तो फैमिली के साथ जा रहे हैं। ऐसे तो हम कज़न मैं ही चले होते, तो इस बार हम फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपको उसी लोकेशन पे। तो गाइज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम पहुंच चुके हैं गरसा मेला। ये इस साल बहुत ही क्राउड है, बिकॉज़ पिछले जो कोविड का टाइम था उस टाइम ये मेला नहीं हो पाया था। तो अब जाके हुआ है ये मेला इस बार बड़ी धूमधाम से। तो आप जैसे देख सकते हो मिठाइयों की दुकान लगी है, बहुत सारी चीज़ें की दुकानें लगी हुई है। और आई होप आपको अच्छा लगे जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मिलते थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों हम अभी दीपदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक तो दुर्वासा ऋषि जी है और दूसरे इनका नाम मुझे नहीं पता। तो आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह से मतलब मेलों में नाटी की जाती है। मतलब यहाँ की संस्कृति, मतलब हिमाचल से जुड़े रहना बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं हिमाचल में रहती हूँ और मुझे सारी चीज़ें देखने को मिलती है। मेरा मेरा प्यार ये बचपन।